नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के व्लॉग में मैं दोस्तों आप लोग को टॉयलेट बाथरूम के दोस्तों क्लीनिंग टिप्स मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों ये वॉश बेसन है, ठीक है, तेल वाला वॉश बेसन है, और एक होता है दोस्तों सिंक वाला वॉश बेसन। तो दोस्तों इनको कैसे दोस्तों साफ रखना चाहिए, कैसे इनको क्लीनिंग रखना चाहिए हमेशा के लिए, कभी दाग ना लगे ऐसा दोस्तों कैसे साफ करना चाहिए, या फिर दोस्तों नीचे की व्हाइट टेल होती है, या फिर ये आप लोग देख सकते हैं वाली टेल होती है, या व्हाइट हो कैसी भी टेल हो उसको दोस्तों कैसे साफ रखना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है, ठीक है, ऐसी वीडियो हर कोई नहीं बनाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों मैं हाउसकीपिंग का ही काम करता हूँ और 16 साल का मुझे दोस्तों एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके काम की हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो जरा सा भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है, और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालू आप लोग तुरंत देख सके, ठीक है। तो बैक कैमरे से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वॉश बेसन है टेल वाला, ठीक है। वैसे तो दोस्तों साफ है ये, ठीक है, कभी भी हल्का फुल्का अगर दाग रहता है या फिर ज़्यादा दाग लग जाते हैं तो क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये टेल है, इसको कैसे साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर कभी भी वॉश बेसन गंदा है, वैसे तो मैं इसके ऊपर तो वीडियो बना चुका हूँ वॉश बेसन को कैसे साफ रखना चाहिए, लेकिन आज मैं सिंपल सी चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सा तरीका है इसको क्लीन रखने के लिए। अभी दोस्तों देखो मैं इसको साफ करके दिखाऊं ना, एकदम ऐसे लगे जैसे नया लगा हो, ठीक है। वैसे दोस्तों साफ है ये, अगर जैसे दाग लग जाते हैं, गंदा है, पीला है, कैसा भी है, ठीक है, गुटखा खाकर थूक दिया इसमें, उसके दाग लग गए हैं तो कैसे साफ रखना है। देखिए फॉर्म है मेरे पास में, ये गाड़ी का जैसे गद्दी होती है ना उसका ही फॉर्म है, ये मुझे साइड से ही मिल गया तो मैंने ला के रख लिया। तो बहुत ही काम के टिप्स हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और भी दोस्तों मैं टिप्स दूंगा इस वीडियो में, तो एंड तक देखना वीडियो को स्किप किए बिना, ठीक है। घर घर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो देखिए मैंने गीला कर लिया है, सबसे पहले काम होता है दोस्तों गीला करने का। ठीक है, सॉरी दोस्तों मेरे पास में ग्लव्स नहीं है और मुझे वीडियो बनाना जरूरी है। ये देखिए दोस्तों मैंने डिटर्जेंट पाउडर को लिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे थोड़ा सा, इधर उधर भी इस पर डाल देते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, इसी से इसको साफ करना है। ये भी दोस्तों एकदम नया जैसा हो जाएगा, स्टील का कोई भी सिस्टम हो, अगर ज़्यादा ही ये स्टील का सिस्टम कोई भी होगा ज़्यादा गंदा है तो सर्फ के साथ में नींबू इस्तेमाल कर लेना, बिल्कुल नया हो जाएगा दोस्तों। और लाइफ में कभी भी दोस्तों ये चीज़ें गंदी नहीं होंगी, वैसी की वैसी रहेंगी जैसे पहले दिन से ही लगाते हैं हमेशा। ये जो दोस्तों निशान है ना, ये स्टिकर का है, ये देखिए स्टिकर का है, ये कोई दाग नहीं है, इसका स्टिकर मैंने छुटा के फेंक दिया था, तो नीचे का चैप जैसा रहता है ना वो है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको छुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जो स्टील का सिस्टम है ये भी एकदम चमक जाएगा, अगर ये नीचे वाला जैसे काला है तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो एक पाउडर होता है ना कास्टिक सोडा,
उसको दोस्तों इसके ऊपर डाल देंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक चमक जाएगा। दूसरा भी तरीका है दोस्तों, सर्फ के साथ में नींबू से रिगड़ दीजिए, उससे भी साफ हो जाएगा। अभी दोस्तों बिल्कुल चमक चुका है। अब जैसे कि दोस्तों इसको टेल को साफ करना है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले मैं आपको सैंपल दिखाई देता हूँ, पहले गीला कर लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे सरफ, ठीक है, और इसी से इसको रिगड़ देंगे। अगर दोस्तों ज़्यादा दाग है टेल पर, ज़्यादा दे तो दोस्तों साफ है तो सर्फ से ही इसको धो लेंगे। अगर ज़्यादा दाग है तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास में नींबू है, इसको ऐसे निचोड़ लेंगे थोड़ा सा नींबू, ठीक है, मैं निचोड़ूंगा नहीं, और चीज़ में इस्तेमाल करना है इसको, ठीक है, तो साफ करेंगे बिल्कुल दोस्तों चकाचक हो जाएगा। ये दोस्तों साफ है टेल, मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी तरह से चमक चुका है। ठीक है, अब इसमें देखिए बिल्कुल देखिए दोस्तों, आप बताइए आपको दोस्तों कैसा महसूस हो रहा है। ये देखिए अपना स्टील का सिस्टम, ये देख सकते हैं जैसे दोस्तों अभी लगा हो, ठीक है, ये देखिए, यह है दोस्तों अच्छा तरीका साफ करने का। ये देखिए टेल बिल्कुल साफ हो चुकी है, वैसे तो साफ थी, हल्का फुल्का धूल था, ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों साफ करना है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए जैसे कि ये हैंगर है, ठीक है, टिशू पेपर टांगने वाला या तौलिया वगैरह टांगने वाला हाथ पूछने के लिए, तो दोस्तों ये देख सकते हैं स्टील के किसी भी सिस्टम को बड़ी आसानी से नींबू से साफ कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों साफ है ये, लेकिन मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग साफ कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।